मोहब्बत को पता है यार मुझे क्या होती है। लड़की से मोहब्बत हो गई है बस उससे शादी करेंगे, ये मुझे पता था। अब ये सेक्सुअल डिमांड वाली जो बात आ गई ना, तो वो मैं सोचने लग पड़ा। एक ही चीज़ होती तो मैंने अपने तो थोड़ा शक भी होना शुरू हो गया यार, पता नहीं मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। मेरे लिए एक नई चीज़ आ गई कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। वैसे हरकतें वगैरह तो मेरी पूरी थी, लेकिन फिर भी एक डाउट आ जाता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो फिर आप दूसरे जो अपने बेटर हाफ की डिमांड्स हैं उसको आप पूरा कर पाओगे कि नहीं। तो क्या अगर नहीं कर पाओगे तो फिर आपका वाकई रिश्ता टूट जाता है क्या? मतलब इंसान मतलब बिस्तर के बैठा होता है कि भाई दिस इज़ प्रॉब्लम, दैट्स वाई आपको एक बंदा छोड़ के चला गया। ये मेरे लिए बड़ा एक अजीबोगरीब सा एक एलिमेंट मेरी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया। फिर मैंने अपने दोस्तों यारों से कोई एक आधा शादीशुदा भी था उससे भी मशवरा लिया मैं कि यार ये क्या चीज़ है। मतलब अब्बा जी से तो नहीं मशवरा ले सकते कि भाई क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उन दोस्तों यारों ने मुझे बड़ा तसल्ली दी, उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होता, ये होता है वो होता है जो एक शादीशुदा लाइफ को होता है। फिर मैंने अपनी बेगम से भी इस चीज़ को डिस्कस किया था जो होने अभी हुई नहीं थी लेकिन पहले किया था। मैं कह कि ये मेरी फिज़िकल पोजीशन है, ये मेरा ये हाल है कि आगे जाके ये प्रॉब्लम ये आ सकते हैं, मुझे ये पता लगा है। अभी तक मैंने किसी लड़की से ट्राई नहीं किया, अगर मैंने किया होता तो मैं भी कह रहा था कोई मसला नहीं है। मैं पहले कभी नहीं किया, ज़ीरो मीटर है मैं। वो फिर इस चीज़ को बड़ा अच्छा मतलब फील हुआ कि यार पकअप करते हैं इस चीज़ को, मतलब कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब बट अडल्ट जब मतलब डिसेबल आता है ना, मतलब जवानी की सीढ़ियों में चढ़ता है, तो उसके दिमाग में जो है ना वो सेक्सुअल क्वेश्चंस उभरते हैं। मतलब वो चाहता है कि भाई मेरे इस वजह से मैं शादी कर लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ। फिर वो जब नहीं हो पाता ना तो वो नेगेटिव रशवाएँ निकल रही होती हैं, फिर वो बच्चा जो अपने आप को ख़राब कर देता है, जो अल्लाह ताला का भी हुक्म नहीं है। इसको कहते हैं हराम कहते हैं या इसको गुनाह कबीरा में भी शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक शादी को ना एक हलाल चीज़ करार दिया। तो फिर वो शादी होना मतलब है कि आपने अपने आप को मुकम्मल कर लिया, ऐसा ही है ना। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि यार मेरा चूँकि मकसद ही यही रहा है कि मेरी जो मर्ज़ी डिसेबिलिटी हो, लेकिन मैंने ज़िंदगी के हर शोबे को इंजॉय करना है, हर चीज़ को मैंने मुकम्मल अपने आप को मुकम्मल करना है। तो शादी क्यों नहीं करनी, शादी भी करनी। और फिर मैंने अपने बेटर ऑफ होने वाले बेटर ऑफ को फिर ये चीज़ का यकीन लाया कि यार मैं आपको मतलब आपको खुश रखूँगा, आपको सेटिस्फाई रखूँगा, आपके दोस्तों की तरह रहूँगा, मैं आपका ना हस्बैंड हूँगा बल्कि आपका दोस्त हूँगा, और बल्कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, दोनों इकट्ठे जॉब करेंगे, दोनों इकट्ठे जाएंगे आएंगे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हमारा प्रोग्राम यही था कि हम डिसेबिलिटी पे काम कर रहे थे ऑलरेडी, हम वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर पे जॉब करते थे दोनों। तो हमने कहा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, बल्कि हमारी शादी जो होगी वो एक रोल मॉडल होगी दूसरों के लिए, जिसमें लोगों को अच्छा लगेगा कि भाई अगर ये बंदा शादी कर सकता है तो हमें भी एक पॉजिटिव सेंस में इसको आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ लिख के फिर हमें अभी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मेरा ये ख्याल था कि ऐसा होगा। वो मेरे ससुराल की मुखालफत के बावजूद शादी हो गई, मेरे घर वाले मान गए लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं मानते थे, लेकिन वो मेरे बेगम के आगे हाल मान के उन्होंने किसी ना किसी तरीके से शादी अच्छी खासी मेरी कर दी थी। शादी वाले दिन एक बड़ा अच्छा एक वाक्या हुआ। निकाह जो था जो बारात थी ना वो मेरे गुलबर्ग में थी, कबाना होटल कबाना है ना जी जी वहाँ पे। अब वलीमा जो था वो यहाँ में हमने हॉल था वहाँ पे करवाया हुआ था। अब वलीमा जो था वो मैंने खुद चूज़ किया था जगह को कि वो मेरे लिए बड़ी एक्सेसिबल हो, उसमें सीढ़ियाँ ना हो, उसमें वो ना हो, कोई रुकावट ना हो, बल्कि स्टेज भी मैंने छोटे स्टेप में ये माइस्टोन वगैरह आप लोग आए थे मेरे वलीमा में शायद। तो बारात वाले दिन ये हुआ कि उस जो ऊपर वाली मंजिल में सेटअप सारा हुआ ऊपर वाली सेटअप। अब मेरी अम्मी एक दिन पहले मेरे भाई को कह रही थी कि तुम ना जाके चेक कर रहा हो ना पहले कि भाई वो इसके लिए अरेंजमेंट ठीक है, स्टेज सही है, वो दूल्हा दुल्हन कंफर्टेबल हो। तो जब
वो कहता था नहीं यार कैसी बात कर रहे हैं, वो शादी वो लड़की दे रहे हैं, वो लड़की दे रहे हैं, उनको इतना ही नहीं ख्याल होगा कि वो ऊपर करना है नीचे करना ही है, वो आप छोड़ दें आप फिक्र, वो बड़े समझदार हैं। जिस दिन मैं जब मैं बारात मतलब मेरी जा रही है उसके बाद जो सारे मिलके जा रहे हैं, तो मुझे रास्ते में उसकी मेरी बेगम की सहेली का फ़ोन आता है कि भाई ऊपर है ये सीढ़ियों वाला काम है, घबराना ना। मैं क्या मतलब घबराना ना, कहते हैं उन्होंने उनको पता नहीं था। मैं क्या उनको क्या नहीं पता था कि उनको ये नहीं पता था कि मैं व्हीलचेयर में होता हूँ ये वो। तो मैं उस टाइम मेरे बारात वाला दिन था, मैं गुस्से से मैं पागल हुआ था। मेरे जो बेगम थी वो उस टाइम उसको आउट ऑफ रखा हुआ था इन मामलों से अरेंजमेंट के, वो उसको टाइम नहीं मिला उसको समझाने का कि भाई आपने ये करना है वो करना, उसको एक तरह का पीछे रखा हुआ था, आगे वो सारे रिश्तेदार वगैरह कर रहे थे। वो शी वॉज इन पार्लर, वो पार्लर में थी। तो जब मैं पहुंचा तो मेरे अबू ने फिर ऐसा किया कि नीचे रिक्वेस्ट की रिसेप्शनिस्ट को कि भाई आप चंद कुर्सियाँ नीचे लगा लो, ये निकाह हो जाए, बाकी मेहमान ऊपर चले गए। मैं नीचे बैठा और मेरा निकाह नीचे हुआ, चंद बुजुर्ग साथ बैठे हुए, दूल्हा मेरी ऊपर बैठी हुई थी। अब मैं नीचे बैठा हूँ, दूल्हा ऊपर बैठी हुई, अब फैसला नहीं हो पा रहा था मैं ऊपर। अब मुझे चंद लोग कह रहे हैं भाई आपको उठा के ले जाएं। मैं कह यार मैंने कुल्ला पहना हुआ है, मैंने चंगे कपड़े पाए हैं, और मैंने तो उससे इस तरह उतर लगे मेरा जनाजा जाएगा उतर। मैंने उस टाइम बड़ा इमोशनल होके मैंने उस मैं आई वॉज वेरी मतलब एंग्री मैं उस टाइम। तो उस दिन के बाद मुझे एक चीज़ की समझ आना शुरू हो गई, उस दिन की उसी दिन के बाद, कि भाई मेरी इस माशरे में जगह नहीं है। हालांकि मेरे साथ मेरी शादी हो गई है, मैं उस दिन ये कह सकता था कि मेरी एक अचीवमेंट हुई है कि एक लड़की ने मुझे एक्सेप्ट किया है, एक फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया है, जिस तरह भी किया है। और फिर मुझे तो अपने आप को बड़ा टार्जन समझना चाहिए, लेकिन उस दिन मुझे इस चीज़ का ख्याल हुआ कि नहीं, ये एक शादी वाला एक ऐसा इवेंट होता है मैं बंदे की औकात का पता लगता है, कहते हैं ना है जी बिल्कुल, कोई नटा के ले जाता है तो कहता है यार मैं ऐसे औकात है मैं इसको नटा ही सकता। तो वो मुझे उस टाइम पता लगा यार लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी लोगों को अभी व्हीलचेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोगों को अभी माजूरी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मे भी कुछ लोग उसमें ऐसे भी इन्वॉल्व थे जो मज़ा लेना चाह रहे थे कि देखते हैं अब क्या होता है, इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल हो सकती थी। लेकिन ये इशू मैंने नहीं उठाया बाद में, लेकिन मैं उस दिन से अंडरस्टैंड कर गया कि मुझे आगे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे अकेले नहीं करना पड़ेगा, मेरे साथ मेरी बेगम भी है, उसको भी सामना करना पड़ेगा, मेरे कल को बच्चे भी होंगे उनको भी सामना करना पड़ेगा, और वो आज तक वो सामना कर रहे हैं। आज मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो मेरे बच्चों के स्कूल के जो दूसरे बच्चे हैं वो उनको हाथ दे के हंसते हैं, वो उनको कहते हैं और तुमने अपने पापा को देखा है, तुम्हारे पापा के जो टांगे देखी हैं, उनके पाँव मुड़े हुए देखे हैं, वो व्हीलचेयर में टायरों वाले में घूम के आते हैं। तो मेरी बच्ची आगे मुझे आगे रोती है, पापा वो मुझे फलां बच्चे छेड़ता है, पापा वो मुझे तंग करता है। तो मैं उसको कितनी तसल्ली दे दूँगा, मैं क्या कहूँ उसको, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यार वो पता क्या है, वो जेलस होते हैं, वो आप पापा आपके अच्छे हैं इसलिए मैं उसको झूठी मूठी कहानियाँ सुनाता हूँ। फिर आखिर का एक दिन तंग आके मैं उनके स्कूल चला गया अंदर, मैंने उनकी प्रिंसिपल के आगे रिक्वेस्ट की, मैं कहा आपकी मेहरबानी यार कुछ अपने बच्चों को अवेयरनेस दे दो, कुछ दे दो कि ऐसे मुकालमाबाजी या ऐसे बच्चों को नहीं छेड़ा जा सकता। मैं बताते खुद मुझे कुछ छेड़ता तो मैं चलो ओके, मेरे अब बच्चों को छेड़ा जाएगा तो ये अब मुझे देखना पड़ेगा। पहले तो मैं अपने स्कूल में अपने आप का मजाक उड़वाता रहा, अब मेरे बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा तो ये मेरे अपने तक तो महदूद रहता है, बच्चों तक भी बंदा बर्दाश्त नहीं करता। तो भी इतनी जहालत है इस माशरे में, इतनी जहालत है, सारा दिन टीवी देखेंगे, सारा दिन बाहर घूमे फिरेंगे, एक व्हीलचेयर वाला नहीं इनको अफोर्ड होता, एक व्हीलचेयर वाले के बच्चे नहीं अफोर्ड होते इस माशरे को। आप खुद देखें लाखों दुनिया घूम रही है, सारे अपने अपने काम में मसरूफ है, मैंने किसी को पूछा तुम क्या कर, मुझे दे के लोग क्यों निशाना बनाते हैं, क्या मैं रीमा हूँ या मीरा हूँ जो मुझे दे के लोग दे रुक जाते हैं कही लो जी बड़ी पर्सनैलिटी आ गई, मुझे किस नज़र से, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं वो कॉम्प्लेक्स फील करते हैं और मैं खुद कॉम्प्लेक्स अपने आप को फील करता हूँ उनके साथ बाहर जाने को। मैं उनके साथ जा रहा हूँ तो मैं खुद डर रहा हूँ कोई बच्चा आवाज़ ही ना लगा दे और मेरे बच्चे फील ही ना करें, वो चाहे वो मेरे साथ एक्सप्रेस ना करें लेकिन उनके दिमाग में दिल में उनके ऐसे ना वो इस उम्र में है। तो
ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अलमिया है और बहुत मेरे लिए एक खौफनाक मंजर आता है, नज़र आता है। अपने तक महदूद मैंने अब 37 साल गुजारे हैं, अपने मैंने मेहनत की है, मैंने याद किए बच्चों को, मैंने बड़ा किया है। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छे साइंस रखते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और दुनिया की हर चीज़ आती है, इंग्लिश आती है उनको, साइंस आती है उनको, दुआएँ आती हैं। और जब वो मेरी बारी आती है तो वो स्टक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये क्या है, मेरे पापा का नुकसान, मेरे मजाक उड़ाया है ना। उनके पास जवाब होता है, वो ये नहीं कह सकते मेरे पापा का क्या कसूर है, या वो ये नहीं कह सकते कि ये सब तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। माशरे को नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी छोटे हैं, और मैं उनको इनकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहता कि वो माशरे की या लोगों को ब्लेम देना शुरू कर दें कि आज मेरा पापा डिसेबल है तो तुम लोगों की वजह से, तुम्हारा एटीट्यूड की वजह से डिसेबल है, तुम्हारे नॉन फैसिलिटेशन की वजह से वो डिसेबल है। आज वो अनारकली चाट खाने या मुझे नहीं ले जा सकता, वजह यह कि तुम लोगों ने उनको उसको फैसिलिटी नहीं दी कि वो बस में बैठ के हमारे साथ जा सके, ना ट्रेन में बैठ के वो मरी हमें लेके जा सके। जब से मेरे बच्चे, जब से मेरी शादी हुई है मैं मरी नहीं गया। हर साल मैं बच्चों को कहता हूँ आज दफा आपको मरी लेके जाऊँगा, सारे मेरे भाई मरी जाते हैं, अकेले दौड़ जाते हैं, वो मैं नहीं पूछता। मैं ये कहता हूँ यार चलो हम मरी लेके जाऊँगा, मैं किस पे लेके जाऊँगा, मुझे एक ड्राइवर हायर करना पड़ता है, एक गाड़ी हायर करनी पड़ती है, 1000 रुपये मैं कहाँ से लाऊँगा 1000 रुपये। मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, मैं कोई एक प्रोफेशनल, मेरा छोटा सा कंपनी सेटअप है, मैं छोटे 2-3 हज़ार रुपये की वेबसाइट बनाता हूँ, कितना कमा लेता हूँ, घर भी चला रहा हूँ, खर्चे हैं, स्कूल फीस हैं। लेकिन कोई ऐसा सिलसिला नहीं कि जिस पे एक्स्ट्रा बर्डन को अफोर्ड कर सके। बल्कि आजकल तो हर किसी का ये हाल है कि पाकिस्तान में हर किसी को एक्स्ट्रा बर्डन लगता है। लेकिन यह है तंग आने का जो है ना, वो रोज़ एक नया एक बुखार आता है। फिर क्या होता है कि अपने आप को रोज़ सुबह उठ के समझाता हूँ कि यार कि भाई कोई बात नहीं, लड़ो। मुझे बताओ यार तुम सुबह उठ के सबसे पहले ये करते हो कि मैंने आज लड़ना है, तो क्या ज़िंदगी गुजारोगे, इतनी टफ लाइफ। लोग, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार भाई मैं 11 बजे आऊँगा सुबह, या तुम 7 बजे क्यों नहीं आ सकते, मुझे कहते हैं कुछ लोग, कहते हैं कोई मीटिंग वगैरह हमारी हो ना, यार मेरे इधर मुश्किल है, मुझे उठ के घंटा बाथरूम लग जाता है, फिर मैं ये और तुम घंटा क्या करते हो बाथरूम, मुझे अक्सर ये कहते हैं। मैं कहता हूँ यार मैं सुबह उठ के सबसे पहले बाथरूम जाने की प्लानिंग करता हूँ, 1/2 घंटा मैं प्लान करता हूँ कि मैंने बाथरूम कैसे जाना है। अच्छा प्लान करता हूँ, क्यों, मैं खुद नहीं जा सकता बाथरूम, सबसे पहले बंदा उठ के फ्रेश होता है, फारग होगा तो दिमाग चलेगा ना, वरना वो पेट को पकड़ता बैठा रह जाएगा कि भाई आज मैंने फारग होना है। अब लोगों की नज़र में ये जो टट्टी पेशाब है ये एक छोटा सा एक चैप्टर है कि सुबह उठे और फारग होके वापस आ गए, उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया यार ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये कोई पता है कि जब मैं उनको, लोगों को, अपने दोस्तों को ये बात करता हूँ ना कि भाई मुझे सुबह उठने के प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैंने बाथरूम कैसे जाना है, एक सबसे इलाजत वाला काम की मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है। लोग फ्यूचर प्लान करते हैं, लोग कहते हैं कि हम गाड़ी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, मैं सुबह उठ के ये प्लान कर रहा हूँ तो मैंने बाथरूम कैसे जाना है, मेरी सोच यहाँ तक है। फिर वो जनाब, मैं अपने मुलाजम एक रखा हुआ है, मुलाजम को मैं इंतज़ार करता हूँ, कभी उसका फ़ोन आता है, ओ शेख साहब वो मेरे मामू की डेथ हो गई है, ओ शेख साहब वो मेरे आज बच्चे की सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे मसाइल चल जाते हैं, वो ऐसे बारिश हो रही है जी आज, और रात दिन का तो नहीं है बंदा, वो 1 घंटे के लिए मैं यूज़ करता हूँ आता है। फिर मैं अपनी बेगम को देखता हूँ, वो मुझे देखती है।